जनरली आता ही हूँ वैसे जो भी 6 साल से कर रहा हूँ, पर एक जिस बैकग्राउंड से जहाँ से आया हूँ वहां से ऐसा लगता है कि ऐसे टाइम में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसे ही जब आईपीएल चल रहा था तभी हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कितना अवेयरनेस ला सके, लोगों में कितना फैला सके कि इतना जरूरी है कॉन्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि यहाँ पे इस रूम में हम जितने भी लोग हैं अगर हमें किसी को कुछ ज्यादा की जरूरत है नहीं, अगर हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सके जिस तरह से हम सबने किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो जिनको जरूरत है, आप लोग भी ऐसे ही लोगों को जानते हैं कि बहुत लोगों को जरूरत है हर जगह पे। तो लोगों का आईपीएल चल रहा था तभी बात कर रहे थे कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां से एक ही चीज करने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मुश्किल समय में हम लोग थोड़ा सा एंटरटेन करें लोगों को, थोड़ा सा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सके। और ऑन बिहाफ ऑफ पीसीसीआई और सारी चीजों में हमने एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि ना एक भी एम्बुलेंस रुकी थी, ना एक हॉस्पिटल का बेड रुका था, ना कभी किसी को जिसको भी जरूरत पड़ी वहां पे किसी को रोकने की कोशिश नहीं करी गई। इसलिए एक ही चीज थी कि 7 से 10 या 10:30-11 बजे तक लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, क्योंकि हमें भी पता है कि कितना मुश्किल समय गुजरा है। खाली लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के खुद की फैमिली भी इसमें सफर हुई। अगर आप पीयूष चावला देख ले, आरके सिंह देख ले, आर अश्विन देख ले, बहुत लोगों की फैमिली भी इसमें सफर हुई, पर बहुत लोगों के पास पैसा भी था, सब कुछ था, लेकिन फैसिलिटीज नहीं थी, उसकी वजह से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो हम सबकी तरफ से एक समाज की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जितना कॉन्ट्रीब्यूट करें उतना कम होगा, तो हमें जितना है उसके चारों तरफ हाथ फैलाते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करने की। मेरी तरफ से और सबकी तरफ से अपील करेंगे। थैंक यू।